जी क्वेश्चन है राइट इन अ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल फॉर्म, इसको आपने पूरा फैक्टोरियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब फैक्टोरियल के लिए आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जो 5 फैक्टोरियल है दैट इज़ 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। अब देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको वैसे लिख देते हैं एन प्लस 1 इंटू एन, अब देखें एक एक कम होता जा रहा है, एन माइनस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 2 इंटू 1। अब देखें अगर इसको टोटल कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये n माइनस 2 है ना जी, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें n माइनस 2 और कम हो जाएगा एक, ठीक हो गया। फिर n माइनस क्या होगा 3 अप टू सो वन चलते जाएंगे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर होगी बात। अब ये हमने जो ब्लैक है ये हमने अपनी तरफ से लिखा है सवाल में, इसको भी दोबारा लिख लेते हैं n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू सो वन 3 2 इंटू 1, क्लियर हो गया जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऊपर वाली वैल्यू है सॉरी, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है जी, एन प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स के दिस इज़ एन प्लस 1 होल फैक्टोरियल, क्लियर। यहाँ से स्टार्ट होता जा रहा है और 1 कम होता जा रहा है तो ये 1 तक जा रहा है। नीचे देखिएगा प्लीज़, देखें ये 3 2 1, तो दिस वन इज़ बेसिकली 3 फैक्टोरियल, और ये वे जो कॉन्सेप्ट है ये वाली जो टर्म है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, एन माइनस 2 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है 1 तक जा रही है, इसका मतलब है कि दिस विल बी एन माइनस 2 और फैक्टोरियल, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया, इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं, उसको अप्लाई कर दीजिएगा, अटेम्प्ट करना है आपने, ओके।